अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको फ़रा किचन में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए अंडा कोरमे की रेसिपी लेके आए हैं। आपने बीफ कोरमा तो खाया होगा, चिकन कोरमा भी खाया होगा। आज हम आपके लिए अंडा कोरमे की रेसिपी लेके आए। हमारे एक व्यूअर ने हमसे फरमाइश की थी कि अंडा कोरमा बनाए, तो आज हम उनकी फरमाइश पे अंडा कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। हमने चूल्हे के बर्नर ऑन कर दिया है। अब इसमें हम ये 250 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून शामिल कर देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 स्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे, क्यूमन सीड्स शामिल कर देंगे। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 2 स्पून गेंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। गार्लिक के पेस्ट को 5 मिनट तेल में अच्छी तरह भून लेंगे, फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे। अब इसमें हम ये 250 ग्राम दही शामिल कर देंगे। हम तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे फिर इसमें हम बॉयल किए हुए अंडे शामिल कर देंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें हम 1 स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1 स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, टर्मरिक पाउडर शामिल कर देंगे, 1 स्पून हम इसमें देगी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1/2 स्पून हम इसमें देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे। देगी लाल मिर्च में तेज़ी नहीं होती, लेकिन ये कलर के लिए होती है। ये बहुत अच्छा देगी लाल मिर्चों का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अब इसमें हम 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे, काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए फिर इसमें हम अंडे और तली हुई प्याज को हम हाथों से अच्छी तरह चॉप करके इसमें शामिल कर लेंगे। हमने प्याज तली हुई ली है, उसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, हाथों से क्रश कर लेंगे। अब इसमें हम 1 स्पून जितना शान का ही कोरमा मसाला शामिल करेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए। अब इस मसाले को हम 5 से 10 मिनट मज़ीद भूनेंगे, फिर इसमें हम किसी भी प्याज और अंडे छिले हुए शामिल कर देंगे।
मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम ये 125 ग्राम फ्राई प्याज है जिसे हमने हाथों से चॉप कर लिया है, हम इसमें शामिल करते हैं। अब इसे हम 5 मिनट प्याज को मसाले के साथ भूनेंगे, फिर इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी बन जाए। फिर इसमें हम अंडे बॉईल करके शामिल, अंडे हमने बॉईल किए हुए इसे हम छील के इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम हाफ स्पून जितना सॉल्ट शामिल करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोरमा मसाला शामिल किया था उसमें भी सॉल्ट होता है। हमारे व्यूवर्स ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है और उसमें से ज़बरदस्त कोरमे की खुशबू आ रही है, हमारे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। हमारे व्यूवर्स आज हम आपके लिए अंडा कोरमा की रेसिपी लिखे हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। इसे हम कवर कर देंगे। अब इसमें बॉईल आ चुका है, अब इसमें हम ये अंडे शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करके हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, क्योंकि अंडे तो हमारे बॉईल हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर इसे हम डिश आउट कर देंगे। हमारे आज ये हमारे अंडा कोरमा की रेसिपी ये बहुत मज़े की और टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी होगी। हमारे व्यूवर्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर कवर कर देंगे, फिर इसे हम डिश आउट कर देंगे। अब इसमें हम ये 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल कर देंगे। हमारे व्यूवर्स, ये हमारे अंडा कोरमा की रेसिपी तैयार है। इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके यहाँ मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ अब ये अंडा कोरमा की रेसिपी ज़रूर शेयर करें, बनाएं, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये बहुत मज़े की और डिलीशियस अंडा कोरमा की रेसिपी है। तो हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।